नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नोर स्टूडेंट सेल्फ में। और हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक टू का चैप्टर फिफ्थ। और लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों पे 1857 के रिवोल्ट का असर हुआ है ना, और 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या क्या चेंजेस आए सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, और क्या क्या एजुकेशन का रोल रहा, किस तरीके से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसने नेशनलिज्म जगाने में किस तरीके से हेल्प की, फिर जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होती है उसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली, और कुछ एक पॉलिटिकल प्रोविंशियल लेवल पे जो एसोसिएशंस आती हैं उसके बारे में भी हमने जाना। तो अब हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ने इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के खिलाफ क्या कार्रवाई की, या फिर जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे है ना, इन्होंने जो जो चीज़ें की एंटी ब्रिटिश उनके हिसाब से, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने क्या कार्रवाई की, वो हम देखेंगे। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देखें, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के देखें और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या फिर प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे तो आपको मिल ही जाएगा वीडियो। आइए हम अपने आज के टॉपिक पर डिस्कशन चालू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबा दें, और अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है, आपके पास टाइम कम है, तो आप 1.5 की स्पीड पर भी देख के अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या क्या स्टेप लिए, अब वो क्या स्टेप ले सकते थे क्योंकि उनके पास सत्ता थी, तो कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने देखा कि यार सबसे ज़्यादा परेशानी ना उनको हो रही थी किससे, वर्नाकुलर प्रेस से। वर्नाकुलर प्रेस क्या है, लोकल लैंग्वेजेस में जो पेपर छपते थे उनसे बहुत परेशानी हो रही थी। ये लोकल लैंग्वेजेस में जो राइट संपादक लोग थे और उनसे कई सारे इंटेलेक्चुअल्स जुड़े हुए थे, और उनके जो आर्टिकल्स वगैरह होते थे बहुत ही ज़बरदस्त होते थे, और उससे लोगों में बहुत ही जोश आता था, और अंग्रेजों के खिलाफ ओपनली लिखा जाता था इन पेपरों में। और जैसा कि बंगाली है, अमृत बाजार पत्रिका है बंगाल में, केसरी महारत्ता, इंदु प्रकाश, वॉइस ऑफ इंडिया बॉम्बे में बहुत ही फेमस थे, बॉम्बे प्रोविंस में, जो आज का महाराष्ट्र है उस साइड, फिर हिंदू पेपर मद्रास में बहुत फेमस था, पंजाब में ट्रिब्यून। तो इस तरीके से जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे ना, वो हमेशा से ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज़ थी उनके बारे में खुल कर लिखते थे और अपने ओपिनियन डाल बताते थे, और अब क्या होना चाहिए वो भी बताते थे लोगों को। अब आप कहोगे, कई लोग कहेंगे कि अरे यार उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग इतने थोड़े थे, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन इन लोगों ने क्या कर रखा था, एसोसिएशंस बना रखी थी, और वो एसोसिएशंस में लोग न्यूज़पेपर्स को पढ़ के लोकल लोगों को बताते थे। और आप जानते हो इंडिया में एक आदमी को पता चला तो 5 को बताएगा, 5 से 100 में जाएगी, तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन वर्क करता था। तो लिप्टन ने क्या किया, इसको रोकने के लिए सबसे पहले उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया 1878 में, कि हाँ सभी वर्नाकुलर प्रेसेस बंद कर दी जाएंगी जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है, और बहुत सारी कार्रवाई की, बहुत सारे पेपर बंद कर दिए गए इसके तहत। फिर उन्होंने लिप्टन ने एक और बहुत ही रिप्रेसिव मेजर लिया कि आर्म्स एक्ट लेके आया, वो जिसके तहत था कि इंडियंस को आर्म्स रखने का अधिकार नहीं था, अगर आपको आर्म्स चाहिए तो लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, वो तो खैर आज भी लेना पड़ता है, और यूरोपियंस को इस चीज़ के लिए एग्जेम्प्ट किया हुआ था, यूरोपियंस चाहे तो रख सकते थे। तो ये एक तरीके से ओपन डिस्क्रिमिनेशन था जो कि लोगों को बहुत नापसंद था, बट जब लिप्टन के बाद रिपन आते हैं तो उन्होंने ये चीज़ें हटा दी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया, हालांकि आर्म्स एक्ट पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और उन्होंने एक और एल्बर्ट बिल लाते हैं बाद में, एल्बर्ट बिल ये था दोस्तों कि जो कि अलाउ करता था कि इंडियन मैजिस्ट्रेट यूरोपियंस को ट्रायल कर सकता है, बट यूरोपियंस में इतना हंगामा होता है कि अंग्रेज गवर्नमेंट तक हिल जाती है, और गवर्नमेंट को ये कहीं ना कहीं वापस लेना पड़ जाता है वो बिल।
फिर रिपन के बाद आते हैं डफरिन, और डफरिन आप जानते हैं कि वो इंडिया के अगेंस्ट उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई, और वो बिल्कुल भी ओपन नहीं था कि लोगों को सिविल सर्विस में भर्ती किया जाए, एम्प्लॉयमेंट्स दी जाए, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा दी जाए लोगों को, इंडियंस को तो खास करके। और जैसा कि रिपन ने इंडियन सिविल सर्विसेज में एज लिमिट बढ़ा दी थी इंडियंस के लिए, तो डफरिन ने कहीं उस चीज़ को हटा दिया। तो ये सब मेजर्स ब्रिटिशर्स ने लिए इंडियंस के खिलाफ, ताकि वो रोक सकें अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को। इसी बीच उदय होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि इंडियन इंटेलिजेंस या जो थी, और लोकल लेवल पे तो काफ़ी सारे एसोसिएशन बना चुके थे, बट उनको लग रहा था कि हाँ हमें एक नेशनल लेवल का एसोसिएशन होना चाहिए। ये बात बहुत टाइम से सामने आ रही थी, बट कुछ कॉन्क्रीट हो नहीं पा रहा था। फिर एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज का बंदा है, आता है सामने, इंग्लिशमैन, जिसका नाम ह्यूम था। उसने हर जगह के पॉलिटिकल एसोसिएशंस के जो लीडर्स, टॉप के लीडर्स, उनसे बात की और उसने उनको एक इकट्ठा किया, और फिर एक नेशनल लेवल का पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया जाता है, ताकि वो ट्रूली ऑल इंडिया लेवल के जो मुद्दे हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखे जा सके। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी ऐसा ही एक एसोसिएशन बना रखा था, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। हमने देखा उसने ICS के लिए भी आवाज़ उठाई थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन बाद में वो भी मर्ज हो जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही। तो फिर जो कांग्रेस थी, उसकी इनिशियल जो इनिशियल ईयर्स थे, उसमें उनकी डिमांड रहती थी कि प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिफॉर्म्स लाए जाए, इंडियंस को ज़्यादा पावर दी जाए, टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जितना है उसमें इंडियंस को और ज़्यादा भर्ती किया जाए, जुडिशियल रिफॉर्म लाया जाए, है ना, वार पे पैसा कम खर्च किया जाए। लेकिन इससे ना आम जनता इन सब बातों से जुड़ नहीं पाती थी, उनको लगता था यार इन बातों से क्या ही हो पाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वो जानते थे कि ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, और डायरेक्ट अगर हम कन्फ्रंट करें ब्रिटिशर्स का, तो उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, उनके पास तो आर्मी है पूरी, तो हम उनका सामना भी नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को। तो वो उन्होंने सोचा कि हाँ, हम जो उन्होंने अपने पढ़ाई के थ्रू सीखा था, उन्होंने वही रास्ता अपनाया पॉलिटिक्स का, और वो अपना जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको पिटिशंस लिख के, स्पीचेस लिख के, या आर्टिकल्स लिख करके गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडरेट फेस का हम सब जानते हैं, पहले से हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आपके ज़्यादा दिया हुआ भी नहीं है। तो मॉडरेट फेस में जो होता था वो सारी चीज़ें वो करते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्टोरियंस, इस बारे में हिस्टोरियंस का क्या इंटरप्रिटेशन था? देखो, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बातें लिखी हैं कांग्रेस के बारे में, कि कांग्रेस का क्या रोल था उसके बारे में। जैसे अनिल सील है ना, अनिल सील कहते हैं कि देखो कांग्रेस में अलग अलग लेवल के लोग आते थे, अलग अलग प्रोविंस से लोग आते थे, है ना, सोशल बैकग्राउंड भी उनका अलग अलग था, तो उन सब का कांग्रेस में आना मकसद ही अलग अलग था। तो एक नेशनल गोल होना बहुत ही मुश्किल होता था, कॉमन गोल होना, कॉमन और खास करके नेशनल गोल होना, ये बहुत मुश्किल काम था। ये अनिल सील जी के विचार हैं। फिर एक और आते हैं मिस्टर बेली, सीए बेली, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था कि देखो ज़्यादातर लोकल लीडर्स के लिए कांग्रेस एक सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका मेन मकसद तो अपना लोकल इश्यूज को रेस करना होता था। और इस तरीके से ये जो विचारधारा थी, ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल विचारधारा थी, और इनका मानना ये था कि जो इंडियंस थे ये इतने काबिल नहीं थे, इंडियन इंटेलिजेंस या इतना काबिल नहीं था कि वो एक नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन बना सके, इनका ये मानना था, ये डिपेक्ट करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ एक हिस्टोरियन आते हैं जॉन मैकलेन करके, उन्होंने सील और बेले का गलत ठहराते हुए बोला कि नहीं, आप कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, उनके आइडियोलॉजी को। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर्स थे वो बिल्कुल जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से लोगों ने अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी कास्ट वगैरह को
जो उस जमाने में बहुत ही ज्यादा मायने रखता था, उन सबको पीछे छोड़ा और एक नेशन के कॉज के लिए इकट्ठा हुए, एक साथ आए और सब में एक कॉमन विजन था कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो शोषण किया जा रहा है ब्रिटिशर्स उनका, उन सबको मिलके आवाज उठानी है उसके खिलाफ, और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तभी सबका वेलफेयर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और कांग्रेस चाहती थी कि ये जो इंडिया और ब्रिटेन का रिलेशन है इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए ताकि ये इंडिया के हित में हो। फिर बिपिन चंद्र पाल भी अपनी बुक लिखते हैं इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में कि जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो एकदम क्लियर कट एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी पर वर्क कर रहे थे, है ना। उनका तरीका एकदम अलग था लेकिन वो जानते थे कि उनको गवर्नमेंट को अपोज करना है, किस तरीके से अपोज करना है, कैसे लोगों को एक करना है और लोगों में किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना जगानी है, तो उनको सब पता था। बट वो धीरे धीरे कर रहे थे क्योंकि अभी ये इन्फेंट स्टेज में था कांग्रेस, है ना, अभी स्टार्ट ही किया था। ऐसा नहीं था कि सालों पुराना ऑर्गेनाइजेशन थी और एकदम सीधा अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया। 1885 में जाकर के तो इसका फॉर्मेशन ही होता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और उन्होंने धीरे 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 करके गवर्नमेंट से बहुत सारे कंसेशन लिए। हम जानते हैं अपनी हिस्ट्री में, हमने जो पढ़ा है पहले कि बहुत सारे प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह में चेंजेस आते हैं कुछ एक सालों में ही, 10-15 सालों में ही, और धीरे धीरे इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो जाता है और आर्मी वगैरह में भी बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन मिलता है इंडियंस को। तो हमने तो कांग्रेस को ऐसा बोलना कि हाँ वो एक नेशनल लेवल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, बिल्कुल गलत होगा, या अंग्रेजों की बिल्कुल कॉलोनियल सोच का नतीजा है। कुछ कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो इसमें मेंबर्स थे वो सिर्फ एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, तो सॉरी, और जो बाकी मास लोग थे जो कॉमन पीपल था वो तो था ही नहीं इसमें। लेकिन ये विचारधारा भी गलत है क्योंकि जो ये पढ़े लिखे लोग थे ये आम जनता के बीच में जाते थे, उनके बीच बैठते थे, है ना, आम जनता इनको सुनती थी, पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनके अखबार तो कम से कम सुनते तो थे ही, उनके स्पीचेस तो सुनते ही थे, है ना, तो वहाँ से भी पॉलिटिकल एजेंडा उन तक पहुँचाया जाता था। तो ये था आपका पूरा चैप्टर फ्रेंड्स, होप आपको पसंद आया हो। मैंने पूरी कोशिश की कि जल्दी से जल्दी आपके कम से कम समय में आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाए जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।